हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप सो बढ़िया। तो आज की वीडियो में बताऊंगा प्रो राइडर 1000 का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ। दरअसल इस वीडियो में आपको सारी कवर करूंगा एंड इसके जो पापा थे उनका पापा को क्या कहना है इस बात को लेके, और द UK 07 राइडर ने इस बात को लेकर क्या बताया था, एंड ये प्रो राइडर 1000 जगस्ता चौहान सभी को क्या सजेशन दिया करते थे बाइक चलाने के बाद में। तो इस वीडियो में आपको सारी कवर करूंगा। और इनका एक्सीडेंट दरअसल यमुना एक्सप्रेस पे हुआ था। इनका ये जो राइड कर रहे थे यमुना टू नियर दिल्ली की एक्सप्रेस में अपने राइड कर रहे थे, और यमुना एक्सप्रेस पे इनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। और ये इनका जो घर परिजनों है, इनका पापा का क्या कहना था, दरअसल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे छोटी सी इनका पापा क्या बोले थे, सबसे पहले एक क्लिप को आप पहले देख ले पूरी तरीके से, उसके बाद आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि इनका एक्सीडेंट दरअसल हुआ तो हुआ कैसे हुआ। ये 300 का तो नहीं था, पहले तो इसको आपने बोल दिया। अगर 300 का एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कई खेत में पड़े होते हैं। अब जितने जितने यूट्यूब चैनल सबके अपने अपने कंटेंट बना लो, जब हर कोई बना सही बात है। कोई लिखेगा 300 के पास, कोई लिखेगा 290, किसको सचवाएंगे? कुछ लिख सकते हैं। असल बात है इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 की होने, मैं कहा 150। ये लग रहा है किसी ने रिटर्न रन का केस, रिटर्न रन ही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मुझे छोड़ना नहीं है चाहे कोई भी हो। एंड गाइज, उनका पापा का कहना था कि दरअसल इसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, पीछे से कोई बड़ी सी गाड़ी ने हिट किया है जिसके कारण से उनका एक्सीडेंट हो गया है। और इसका साथ साथ 360 एंगल और गोप्रो दोनों कैमरा नहीं मिला है, और अभी तक इसका सही तरीके से पता नहीं चला है। और इस बात को लेकर द UK 07 राइडर ने क्या बताया, आप यहाँ पे छोटी सी क्लिप में इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज वाले ब्लॉग में ना थोड़ी सी बैड न्यूज है। अभी जस्ट न्यूज मिली है मेरे को, ऑगस्ते चौहान एक भाई था हमारा उत्तराखंड से, उस भाई का ना हाईवे पे एक्सीडेंट हो चुका है एंड ही इज नो मोर विद अस। बहुत बुरा लगा यार ये चीज सुन करके। एक्चुअली गाइस, मेरे को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट फिर शाम को ना मेरे को सब्सक्राइबर्स ने टैग करा कि बाबू भैया ये बुरा सीन हो गया। एंड मैंने ना फोटोज वीडियोज देखी थी, भाई बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज नो मोर विद अस। बुरा लग रहा है बोलते हुए भाई, क्योंकि उत्तराखंड का अपना ही भाई था। गाइस, मैंने जब वो वीडियो देखी ना गाइस, मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। एंड अभी ना पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या सीन हुआ है। मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, रेस्ट इन पीस ऑगस्ते भाई, एंड होप भगवान जी आपकी फैमिली को पावर दे, सपोर्ट दे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सिचुएशन में। बहुत मुश्किल टाइम है, आई नो भाई की फैमिली पे क्या बीत रही होगी। बस एंड गाइस, आपने देख ही लिया कि द UK 07 राइडर ने इस बात को लेकर क्या बताया। एंड इनका अभी से एक दो महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में ये अपने से सभी फॉलोवर को एंड अपने सभी से छोटे यूट्यूबर को क्या सजेशन दिया करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगस्ता चौहान ने सभी को क्या बताया करते थे। तो चौहान, मैं कहता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें करी है वो अपने नियम, बाइक चलाते समय स्टंट करता हूँ, अब आगे से मैं ये नहीं करूँगा। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं सबको बोलूँगा ये ऐसा ना करें, और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जैसे आपके स्टेट्स के ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसको फॉलो करें। और मैं एंड गाइस, आपने सारी वीडियो देखी लिया होगी, दरअसल इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में चैट करके बताएं। इनका पापा का कहना था कि दरअसल ये अपनी बाइक को 100 से पार नहीं चला रहे थे, और सभी को कहना है कि इनका बाइक का स्पीड 300 से पार था। और द UK 07 राइडर ने क्या बताया आपने सुन ही लिया होगा, और यहाँ पे क्या सजेशन सभी को दिया करते थे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं जाते जाते आपसे कहूँगा कि आप जब भी बाइक वगैरह को चलाएं बिल्कुल सेफ चलाएं, और फास्ट ना चलाएं। फास्ट चलाने से कुछ नहीं होता है, और आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप फास्ट को चलाएंगे बाइक। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।